हमीरपुर शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जिला बिलासपुर के ब्रह्मपुखर से लेकर नमहोल राजघाटी तक टरिंग उखड़ने से खस्ता हाल सड़क बन चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 4 माह पूर्व ही इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर टरिंग का कार्य NHI ने एक निजी फर्म से करवाया था। टरिंग का कार्य समाप्त होने के कुछ समय उपरांत ही सड़क में तार कोल उखड़ने लग गई है, जिसके कारण वर्तमान समय में सड़क में गहरी खाइयां और गड्ढे पड़ चुके हैं। हमीरपुर शिमला उच्च मार्ग पर जिला बिलासपुर के ब्रह्मपुखर से लेकर नमहोल राजघाटी तक टायरिंग उखड़ने से खस्ता हाल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 4 माह पूर्व ही इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर टायरिंग का कार्य NHAI ने एक निजी फर्म से करवाया था। टायरिंग का कार्य समाप्त होने के कुछ समय उपरांत ही सड़क में तार कोल उखड़ने लग गई थी, जिस कारण वर्तमान समय में सड़क में कई जगह खाइयां और गड्ढे पड़ चुके हैं। स्थानीय लोगों के अलावा शिमला से मनाली व धर्मशाला की ओर आवागमन करने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खराब सड़क के चलते नमहोल व ब्रह्मपुखर आदि स्थानों पर सड़क से धूल उड़ने के कारण अपने घरों व दुकानों में लोगों का बैठना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सड़क की खराब दशा के चलते कई बार दुर्घटनाएं घटित भी हो चुकी हैं, जिसका शासन व प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। स्थानीय जनता ने आरोप लगाया कि जब इस राजमार्ग पर टायरिंग का कार्य हुआ था तो संबंधित विभाग NHAI के उत्तरदायी उच्च अधिकारियों ने टायरिंग कार्य में गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा। इस प्रश्न उन्होंने कहा कि इससे ये प्रश्न पैदा होता है कि जब टायरिंग करवाने के लिए कुछ समय के उपरांत ही सड़क से वे उखड़ गई, तो ऐसी स्थिति में टायरिंग के कार्य के लिए अधिकृत निजी फर्म को करोड़ों रुपए की राशि की धन की अदायगी किस आधार पर की गई। ब्रह्मपुखर से लेकर नमहोल राजघाटी के स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि शीघ्र इस महत्वपूर्ण राजमार्ग की दशा सुधारी जाए, ताकि स्थानीय जनता व इस राजमार्ग से आवागमन करने वाले पर्यटकों को और परेशानी का सामना ना करना पड़े। राजघाट की जो सड़क की हालत है वो देखने लायक है। जैसे पिछले 4 महीने पहले यहाँ पे टायरिंग की गई थी और ये टायरिंग 4 महीने में ही साफ हो गई, और जो बजरी थी वो अलग और रेता अलग हो गया है, और इतने गड्ढे पड़ गए हैं जो देखने लायक हैं। और इन गड्ढों में ऐसा नहीं लगता कि ये गड्ढे NH में है या ये रोड कोई लिंक रोड है क्या NH है। इसमें ठेकेदार ने और प्रशासन की लापरवाही से ये खड्डे, ये सड़कों का ये दुर्दशा है। यहाँ पे हमारी दुकानें हैं जहाँ पे हम बैठ भी नहीं सकते, और इतनी बुरी हालत है यहाँ पे गाड़ियाँ लगा सकते, और धूल के कारण और इस मिट्टी के कारण, और यहाँ पे रोज़ किसी दुर्घटना का शिकार बनते हैं ये बाइक वाले। वो इससे मेरे से सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसका काम करवाया जाए और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।